सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर पे होटल जैसा सांभर कैसे बनाती हूँ। ये सांभर काफ़ी जल्दी बन जाता है और साथ ही काफ़ी टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने ली है 1 कप अरहर की दाल, जिसे मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया। इसके बाद इसे अच्छे से 4 से 5 पानी से मैंने धो के साफ़ किया है। दाल बिल्कुल अच्छे से फूल चुकी है। साथ ही मैंने लिया है नमक 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच ग्रेट की हुई अदरक। आप चाहें तो इसे अदरक कूटने वाले में क्रश करके भी यूज़ कर सकते हैं। कुकर में मैंने लिया है पानी, इसमें मैं डालूंगी ये भिगोई हुई अरहर की दाल। पानी का लेवल दाल से 1/2 इंच ऊपर रखना है हमें। बहुत ज़्यादा पानी हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तब भी दाल पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगी। कुछ इस तरीके से पानी का लेवल होना चाहिए। दाल के लेवल से 1/2 इंच ऊपर बस आपको पानी का लेवल रखना है। इसमें मैंने डाला 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही मैं डालूंगी 1 चम्मच क्रश की हुई अदरक। जैसा कि मैंने बताया, आप अदरक को अदरक कूटने वाले में कूट के भी यूज़ कर सकते हैं। कुकर का ढक्कन करूंगी बंद और इसे हाई फ्लेम पे लगवाऊंगी 4 सीटियाँ। उसके बाद 5 मिनट के लिए रखूंगी इसे लो फ्लेम पे। कुकर में 4 सीटियाँ लग गई हैं। इसे 5 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पे भी रखा था और अब इसका प्रेशर निकल चुका है। आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल अच्छे से गल गई है। तो इसे हम दाल घोटने से करेंगे मैश। बिल्कुल अच्छे से हमें इसे मैश करना है ताकि दाल के दाने बिल्कुल भी नज़र ना आए। आप कभी भी कोई भी दाल बनाते हैं तो उसे 1 घंटे पहले भिगोएं ज़रूर। उससे आपके दाल में या दाल से आप जो भी चीज़ें बना रहे हैं उसमें टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आएगा। अब यहाँ पे मैं इसकी कंसिस्टेंसी को करूँगी एडजस्ट। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 मेजरिंग कप पानी। ml में मेज़र करेंगे तो यह 500 ml मैंने यहाँ पे पानी डाला है। पानी डालने के बाद भी हम इसे 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से दाल घोटने से मैश करेंगे ताकि दाल के दाने बिल्कुल भी नज़र ना आए। अब मैं यहाँ पे डालूंगी सब्जियाँ। थोड़ा सा टुकड़ा मैंने पम्पकिन का लिया था, 2 फलियाँ बीन्स की, 1 गाजर और 1 ड्रमस्टिक की फली। ड्रमस्टिक और बीन्स को मैंने 3 इंच के पीसेज में काटा है, गाजर को मैंने 1 इंच के पीसेज में काटा है और पम्पकिन को मैंने 2 इंच के क्यूब्स में कट किया है। सेम हाई फ्लेम पे 2 सीटियाँ लगवाएंगे। 2 सीटियाँ लग चुकी हैं कुकर में और उसका प्रेशर भी अब निकल चुका है। ये देखिए सब्जियाँ बिल्कुल अच्छे से गल गई हैं। तो इसे हम करछी से थोड़ा सा इस तरीके से चला लेंगे। वापस से मैंने इसे रखा है फ्लेम पे और फ्लेम मैंने रखी है हाई। अब मैं यहाँ पे डालूंगी सांबर मसाला। मैं एवरेस्ट का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि आप घर पे सांबर मसाला कैसे बना सकते हैं तो आप कमेंट करें, मैं आपको वो रेसिपी भी प्रोवाइड कराऊंगी। और वो सांबर का मसाला दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं जनरली अपने खुद के बनाए हुए सांबर मसाले से ही सांबर बनाती हूँ। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने सांबर मसाला डाला है। आप देख सकते हैं दाल अब बॉयल हो रही है। तो अब यहाँ पे मैंने डाल दिया इमली का पल्प। 50 ग्राम इमली को मैंने 1/2 घंटे पहले गर्म पानी में भिगोया था। इसके बाद इसे अच्छे से अपने हाथों से मैश किया और फिर इसे स्ट्रेन कर लिया। अब हम यहाँ पे सांभर को करेंगे बॉयल मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक ताकि सभी चीज़ों का अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। 10 मिनट हो गए हैं, सांभर बिल्कुल अच्छे से हो चुका है बॉयल। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो यहाँ पे मैंने ली है वोक। वोक में मैंने 1 कड़छी तेल डाला है। तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। 1 छोटी कड़छी आप तेल डालें। अगर चम्मच से मेज़र करेंगे तो 4 बड़े चम्मच मैंने तेल लिया। अब मैंने इसमें डाल दी 1/2 छोटा चम्मच हींग। मैं तितली हींग यूज़ करती हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हींग नहीं डालती किसी भी चीज़ में। साथ ही मैंने डाला 1 टीस्पून सरसों दाना। इसे हम अच्छे से क्रैकल होने देंगे। सरसों दाना बिल्कुल अच्छे से क्रैकल हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने ऐड की 8 से 10 करी लीव्स। फ्लेम को मैंने कर दिया है लो। साथ ही मैं डालूंगी 1 मीडियम प्याज, जिसे मैंने धोकर छीला और पतले पतले लंबे स्लाइसिस में काट लिया है। इसे हम लो फ्लेम पे हल्का सुनहरा होने तक पकाएंगे। प्याज अब हल्का गोल्डन हो चुका है तो इस समय मैं यहाँ पे डालूंगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा कलर मिलेगा हमारे सांभर को। और फ्लेम आपको हाई नहीं करनी है। कलर आ चुका है ऑयल में। तो यहाँ पे मैंने डाला 2 मीडियम टमाटर, जिसे मैंने धोकर बिल्कुल बारीक काट रखा था। साथ ही डाला 2 चम्मच पानी, जिससे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट और मैशी हो सकेंगे। इसी के साथ यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच नमक, जिससे टमाटर की कुकिंग होगी फास्ट। मसाले को कवर करके मैंने 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाया है। आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट और मैशी हो चुके हैं। तो इसे हम करछी के बैक साइड से बिल्कुल अच्छे से मैश करेंगे ताकि इसकी चटनी सी फॉर्म हो जाए। ये देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छे से मैश हो गया है। तो इसमें हम तैयार किया हुआ सांभर डाल रहे हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है सांभर में। जैसे ही हमने इसमें लगाया तड़का, इसमें कितना अच्छा कलर आ गया।
अब मैं इसे करूँगी कवर, और कवर करके इसे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक बॉईल करूँगी ताकि जो हमने इसमें ऑयल डाला है वो सेपरेट हो सके। 5 मिनट तक दोस्तों मैंने सांभर को कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकाया है। आप देख सकते हैं जो भी हमने इसमें ऑयल डाला था वो अब इसके सरफेस पे आ चुका है। तो सांभर बनके कंप्लीट है। हम इसे फिनिश करेंगे बारीक कटे हरे धनिए से, और अब फ्लेम को कर रही हूँ ऑफ। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, ये ना ही बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा थिन है, इसी कंसिस्टेंसी का सांभर होना चाहिए। तैयार सांभर को यहाँ पे मैंने निकाला है सर्विंग बोल में। आप इसे इडली या वड़े के साथ सर्व करें, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। रेसिपी कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।